क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि महीने के कुछ विशेष दिनों में आप बहुत नकारात्मक फील कर रहे हैं? नेगेटिविटी इतनी हावी है कि रिश्तों पर भी बनाई है, या फिर व्यवहार में इतना चिड़चिड़ापन कि हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? क्या जानते हैं आप कि महीने के कुछ खास दिन ये वाकई में किसी भी व्यक्ति या मनुष्य के साथ ये घटनाएं हो सकती हैं? आज इन खास दिनों का रहस्य जानेंगे एस्ट्रो भूमि में। ये खास दिन है पूर्णिमा, अमावस्या और चौदस। नमस्कार, मैं हूं भूमिका कलम, एस्ट्रो एनालिस्ट, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, और आपके सामने लाती हूं ऐसे रहस्यों का सच जो वैज्ञानिक आधार पर एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्योतिष में चंद्रमा का सीधा संबंध मन से बताया गया है। आप सभी ज्वारभाटा के बारे में भी जानते होंगे। ज्वारभाटा पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो सर्वाधिक होने के कारण समुद्र की लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं, और चूंकि हमारे शरीर में भी जल तत्व जो है वो 85% और इससे भी अधिक होने के कारण जब चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में होते हैं तो हर मानव जीवन में ऊपर की तरफ ऊर्जाओं का प्रवाह शुरू हो जाता है। और ये बिल्कुल वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध किया जा सका है कि जब भी पूर्णिमा यानी चंद्र पूर्ण रूप में होते हैं उस समय आपकी मनोदशा में कई बड़े चेंजेस आते हैं। कई तरह से, यदि आप सकारात्मक सोच रहे हैं, आप ध्यान में हैं, आप किसी तरह की साधना की प्रक्रियाएं कर रहे हैं, तो आप उस समय उच्चता के स्तर पर पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी भी कारण से यदि आप गुस्से में हैं, आवेग में हैं, आप चिड़चिड़ाहट में हैं, अपने संबंधों से खुश नहीं हैं और मन में बहुत दुख है, तो आप उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसी भाव में आप और गहरे उतर जाएंगे, जो कि बहुत खतरनाक है। इसीलिए पूर्णिमा का दिन, चंद्रमा का पूर्ण होने का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है साधना की प्रक्रिया के लिए, खुश रहने के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं अमावस्या की, कहेंगे उस दिन तो मून होते ही नहीं हैं। बिल्कुल सही, उस दिन चंद्रमा नहीं होते हैं, हमें नहीं दिखते हैं पृथ्वी के आसपास। उनका जो पूरी प्रक्रिया होती है वो इस तरह से होती है कि अमावस्या के दिन उनका दर्शन नहीं हो पाता है। तो आप देखिए, उनकी शीतलता या जल तत्व हम में से कम हो जाता है, और जो ये प्रक्रियाएं रहती हैं जिसमें कि जल तत्व कम होता है, इस समय उदासी का माहौल होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। इस समय पर भी यदि आप कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, तंत्र से जुड़ी हुई है, श्वास विधि जुड़ी हुई है, या आपकी कार्मिक कोई विधि जुड़ी हुई है, उसको आप मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है और आप इसके अपोजिट हैं, नकारात्मकता में हैं, तो वो भी फिर से कई गुना बढ़ जाएंगी। इसलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अधिकतर मेडिटेशन कैंप्स भी आप देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन या तो समाप्त होते हैं या उस दिन से शुरू होते हैं। बुद्ध को जो एनलाइटमेंट मिला है वो भी बुद्ध पूर्णिमा, आप सभी जानते हैं, हम सब उसको सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने पूर्णिमा के महत्व को बताया है। हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इन विशेष दिनों का बहुत अच्छे से प्रयोग करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ, यदि आपके मन में कभी भी इन पर्टिकुलर तिथियों पर नकारात्मक भाव आ रहे हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले गणपति जी की उपासना शुरू करें। आप चाहें तो गणपति जी का मंत्र चैंट कर सकते हैं। यदि आप गणपति नहीं, किसी भी ऊर्जा को जिसमें आपका विश्वास है, आप उनको अपने अंदर समाहित करने के बारे में सोच सकते हैं। आप बुद्ध को प्रणाम कर सकते हैं, आप बुद्ध के बारे में सोच सकते हैं, उनकी वाणी को सुन सकते हैं, किसी भी स्वरूप में उनको आप अपने अंदर धारण करने की बात कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप खुश रहना चाहें, उसके लिए आपको अपने अच्छे समय को याद करना चाहिए पूर्णिमा के दिन।
आपके जो भी रिश्तों में यदि कड़वाहट भी आई है, आप उसी रिश्ते के सबसे अच्छे मोमेंट्स को याद कीजिए। आप देखेंगे कि आप उस दिन ज़्यादा खुश रहेंगे ऐसा करने से। यादों में नकारात्मकता के साथ जीने से अच्छा है यादों की सकारात्मकता में जिए, और आप देखेंगे कि ये पूर्णिमा आपके लिए विशेष हो जाएगी। चंद्रमा को देखिए, उसकी शीतलता को पूरी तरह महसूस कीजिए। आप कुछ ही समय में अपने आप को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे, और ऐसे ही कई सारे नए आयामों को जानने के लिए जुड़े रहें एस्ट्रोभूमि प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।